खालपोश बनाने जा रहे हैं। थालपोश हम बनाएंगे दो कलर से, मरून कलर व्हाइट कलर से। हमारे क्रूसिया का नंबर है 0.90 mm। अभी जो हमारे चैनल पर नए हैं, जो बहनें नई हैं, वीडियो देखती हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हम कोई से भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। पहले मरून कलर से बनाना शुरू करेंगे। एक दो तीन चार पाँच पाँच हमने ले लिया। लास्ट वाले में हम ले आके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर लेंगे। फिर एक दो तीन, तीन हमने चैन बना लिया है। अब जो ये हम चैन को ज्वाइंट किए थे, इसके बीचों बीच हम डबल क्रोशिया फंदे निकालेंगे। देखिए एक फंदे निकालने, ऐसे निकाल लें फंदे डबल क्रोशिया से, फिर ऐसे ही एक चैन और ले लें। देखिए हमने डबल क्रोशिया के फंदे निकाले, फिर एक चैन लेंगे। फिर एक चैन ले लिए डबल क्रोशिया से, इसको ऐसे बराबर ऐसे पकड़े हुए रहेंगे जिससे इधर उधर ना जाए फंदे। एक कर लिए, फिर इसको चैन ले लिए। ऐसे करके हमें पूरे राउंड में 12 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने बना लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ले आके हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। एक बार और ऐसे ले लेंगे चैन। देखिए अब इसके आगे हम व्हाइट कलर लगाएंगे। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तीन बार हमने लिया है, ऐसे पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद सभी को निकाल लेंगे। फिर एक चैन लेंगे। अब दूसरे वाले में हम बनाएंगे। ऐसे करके पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे पूरे राउंड में बना के कंप्लीट कर लेना है 12 में। ये पूरा राउंड हम व्हाइट कलर से बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारा 12 आ गया पूरे राउंड में। अब इसके आगे हम मरून कलर लगाएंगे। आप लोग ऐसे बांध लेना। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। देखिए हम तीन बार कर लिए हैं। फिर एक ऐसे पकड़ के इसको निकाल देंगे। फिर एक और चैन ले लेंगे। फिर एक बार चैन लेने के बाद फिर इसी में हम एक और हम बनाएंगे। दो फिर तीन फिर एक चार, ऐसे पूरा निकाल लेंगे। ये हम पकड़े हुए हैं, इसके ऐसे निकाल के फिर एक चैन ले लेंगे। देखिए जैसे एक हमने ये बना लिया, एक चैन ले लिया, फिर उसके आगे डबल क्रोशिया करके इस वाले में हम ऐसे बना लेंगे। एक दो तीन ये चार, हर बार हम चार बार फंदे निकाल रहे हैं ऐसे करके।
देखिए एक हमने बना लिया, एक चैन ले लिया, फिर इसी में हम कर देंगे एक तीन एक चार, चार हमने किया, ऐसे पकड़ लेंगे सभी को निकाल लिया इकट्ठा फंदे को, फिर अब ऐसे ऐसे देखिए हमने यहाँ पे बना लिया। ऐसे ही पूरे राउंड में हमें बना के कंप्लीट करनी है। ये मैंने पूरा राउंड बना लिया है, एवन को कट कर दिया है मरून वाले। अब यहाँ पे हम व्हाइट लगाएंगे, अब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लें जिससे निकलने का डर नहीं रहता है, इतना बढ़ा लें दो तीन, एक हमने पहले लिया था फिर भी हम चार कर ले रहे हैं इसको। अब ऐसे इसको पकड़ लेना है, निकाल लेना है, फिर ऐसे निकाल के टाइट से बांध लेना है, फिर एक चैन लेना है। अब देखिए दूसरे वाले में करेंगे हम, इसमें क्या होगा हम हर एक में बनाते ऐसे लाइन कंप्लीट करते चले जाएंगे, दो तीन चार, चार हमने किया, अब ऐसे पकड़ के सारा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको भी ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक चैन ले लेंगे इसमें बना लेंगे, देखिए ऐसे पूरा राउंड बना के कंप्लीट करना है, हर एक खाने में अब बनाना है, इसमें 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 सभी में। मैंने पूरे राउंड में व्हाइट कलर से बना लिया है, एक चैन भी ले लिए हैं अभी पैटर्न बनाने के बाद। अब ले आके यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया ज्वाइन कर देंगे, एक चैन और लेके ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसको काट देंगे ऊन को, अब यहाँ पे इसके आगे हम मरून लगा ले रहे हैं, मरून कलर का ऊन। इसको एक बार और बांध देते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, मोती बनाना उनके शुरू कर दिए हैं, दो तीन चार, एक चैन और ले लिए हैं, फिर डबल कुर्सिया करके हम इसी में बनाना शुरू कर देंगे। एक और चैन लेके दूसरे वाले में बना लेंगे, फिर इसी में एक बार और बनाएंगे, देखिए जैसे हमने ए वाला बनाया था वैसे हम ये भी बना रहे हैं, ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड हमने बना लिया है, थोड़ा बहुत अगर ये थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो इसके लिए आप लोग चिंता मत करना, ये सही हो जाएगा लास्ट बनते बनते। देखिए थोड़ा सा यहाँ उठाया है, थोड़ा सा यहाँ आया है, ये हो जाएगा एकदम सही। देखिए हमने ए वाला राउंड बना लिया था तो हमने कहा एक बार और आप लोगों को दिखा दे, जैसे हमने एक एक कर इसमें डबल बनाए थे फिर उसके बाद हर एक में एक एक बनाए थे, वैसे हम यहाँ पर भी बना रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से ये मोती मोटा पतला कर सकते हो।
एक चैन लेना है, फिर दूसरे में बनाना है। देखिए ऐसे पूरा लाइन ये कंप्लीट करनी होगी। ये व्हाइट वाला लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया। मैंने बोला था ना थोड़ा थोड़ा फ्रिल आ रही है, उससे कोई कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे हम एक पैटर्न भी बनाना शुरू कर दिए हैं। ये देखिए हमने तीन पैटर्न बना लिया है। ये थोड़े से ऐसे फ्रिल आते हैं, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फ्रिल आई हुई है। यहाँ से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम उनकी मोती बनाएंगे। थोड़ा से इसे खींच लिए हैं। अब इसे में से एक दो तीन चार, इसमें हम चार कर दिए हैं। एक एक वो चैन ले लिए हैं। अब ये दूसरे वाले में बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, थोड़ी सी मोटी इसमें मोटी रहेगी तभी अच्छा लगेगा। एक चैन ले लिए हैं, फिर एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए हमने तीन बना लिया हर एक में, ऐसे ऐसे हमें मोती आठ बनानी है। यहाँ पे हमने कितने बना लिए हैं मोती? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हमने बना लिए। अब उल्टा कर देंगे। अब इसके यहाँ पे बीचों बीच बगल में मोती के बीचों बीच डाल के एक चैन ले ले बांध देंगे इसको सिंगल क्रोशिया से, इतना खींच लेंगे। अब यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे। अब हमारी आठ मोती थी, अब आ जाएगी सात। एक चैन लेनी है, ऐसे निकाल लें, फिर इसको बांध के एक चैन ले लें। ऐसे ही मतलब हम यहाँ पे बनाते जाएंगे। अभी हमारी कितनी मोतियाँ आएंगी? आठ थी, अब की बार ये लाइन में हमारे सात मोती आ जाएंगे। ऐसे कर कर के हमारे लास्ट एक एक घटते चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे एक बचेंगे। देखिए यहाँ पे अभी एक बन जाएगा, दो तीन, फिर इसके बीच में चार, फिर पाँच, फिर छः, एक एक सात, सात बन जाएगी। ऐसे आते आते लास्ट में हमारा एक बच जाएगा। अभी हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा बन गया है, जैसे हमने बोला था एक यहाँ पे आठ था, फिर सात छः पाँच चार तीन दो एक, आते आते हमारा एक हो गया है। जो हल्का हल्का यहाँ पे हमने बोला था ना सुकड़न आएगा, वो ये फ्रिल आई हुई है। देखिए हर फ्लावर के एकदम शेप में ये हमारी पंखुड़िया जैसे एकदम सब खिल गए हैं। अब चलिए इसका हम बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। इसको बांध देंगे, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब इसको आसानी से ऐसे ही तीन चार, चार हमने कर दिया। अब इसको हम बांध देंगे, मोती बन गई। अब दूसरे वाले में ले आके इसको हम सिंगल क्रोशिया ज्वाइंट कर देंगे। अब फिर यहीं से हम बनाना शुरू कर देंगे दूसरे के लिए। देखिए बांध दिए, अब इसमें ले आके यहाँ पे बांध देंगे ये सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमारा ये पूरा बनता चला जाएगा। अब यहाँ पे हम एकदम ऊपर आ गए हैं मोती के पास। अब यहाँ पे हम ले आके यहाँ पे इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया बांध देंगे। फिर यहीं पे हम मोती बनाएंगे, एक दो तीन चार,
चार बार करके हम बना लिए, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में हम बनाएंगे। आप लोग जब भी मोती बनाया करो इसे हाथ यहाँ पे लगा दिया करो हर फंदे में, तो आगे पीछे नहीं होती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। जो बहने की अगर मोती अच्छे से शेप में नहीं आती होंगी, ये इसी की वजह से इधर उधर होती है मोती। दो हो गया, एक चैन, फिर इसी में एक और मैं बना ले रही हूँ। यहाँ तीन हो गया, देखिए यहाँ पे भी एक बनाऊंगी जिसे यहाँ पे ले जाके मुझे बांधनी होगी। थोड़ी सी इसको बड़ी कर लेंगे। यहाँ पे ले जाके बांध देंगे हम इन्हें। यहाँ पे तीन हमारी इधर हो गई हैं। एक थोड़ा सा धागा यहाँ पे ऊन के चला आया है, इसको हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारे तीन हो गए हैं, एक हम यहाँ पे ले आके बांध दिए हैं। अब जैसे हमने इधर बांधा था ऐसे बांधते हुए चले आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बांधूंगी, जब हम यहाँ पे ले आके अब इसमें हम बांधेंगे लास्ट में सिंगल क्रोशिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, इस वाले भी मोती को हम सिंगल क्रोशिया ऐसे बांध के फिर यहाँ से मोती बनाएंगे जिससे हम यहाँ पे ऊपर बांध लें। देखिए यहाँ पे हमारी मोती नहीं बनी है, अब फिर हम यहाँ पे ले आके इसे सिंगल क्रोशिया बांध लिए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे। सभी बॉर्डर हमारे बन गए हैं, सभी हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके ये जो है हमारी मोती यहाँ पे ले आएंगे। ऐसे ऐसे बांध देंगे, एक दो तीन चार, चार हमने चैन ले लिया। अब ले आके हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दिए हैं, फिर यहीं से हम चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस हमने चैन बना लिया। थोड़ा से इतना बड़ा कर देंगे, फिर इसी में हम तीन राउंड करके फंदे निकाल लेंगे, एक हमारी मोती बन जाएगी। दो तीन, अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस, तीस हमने बना लिया। अब इसके वापसी ले आएंगे, तीस के बाद एक मोती और हम बना लेंगे। तीन बार हमने करके बना लिया। अब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस हमने बना लिया। देखिए दस हम यहाँ पे चैन बनाए थे, फिर तीस बनाए, फिर हम दस बनाए, ले आके हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया इसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए
ये हमारी मोती बन गई है। ऐसे फिर हम ऐसे हम चार बना लेंगे, तीन हम एक हम बनाए हैं, तीन और बना लेंगे। ये हमने चार चार ये चैन बना लिया है। यहाँ पे हमारे सभी बन के तैयार हो गए हैं। अब आगे इसको हम आप लोगों को बांधना देख बताएंगे। देखिए अब एक चैन ऐसे लेंगे हम सीधा करके, डबल क्रोशिया किए हैं, ऐसे करके हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमें यहाँ पे छह डबल क्रोशिया बनानी है। तीन चार पाँच छः, एक दो दो चैन ले लिए हैं टाइट टाइट, एक दो तीन चार पाँच छः, छः डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब एक चैन और ले लेंगे हम यहाँ पे। अब ये दूसरा वाला हम ले लेंगे, चैन को पकड़ लेंगे। अब ये भी जैसे हमने सेम बनाया था इसमें, वैसे इसमें भी बना लेंगे छः डबल क्रोशिया। फिर एक बार दो छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीन हमने बना लिया। देखिए चार चार हो गया, पांच छः, ये छः हमने बना लिया। एक दो टाइट चैन ले लिया, फिर इसके आगे भी छः इसी में चैन में बना लेंगे। ये यहाँ पे चार हो गया, पाँच छः, एक चैन ले लिए हैं। देखिए एक चैन ये ले लिए हैं। अब ये वाला और एक और पकड़ लेंगे डबल ये चैन को, इसको जैसे हमने ये वाला बनाया था वैसे ही छः छः करके बना लेंगे। ठीक है, हमने ये चारों चैन में बना लिया है। एक चैन ले रहे हैं। अब ये यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः। अब एक दो चैन हमने लिया। अब ये जो दूसरा वाला हमने बनाया है यहाँ पे चैन लिए थे एक, अब इसमें भी हम छः बना लेंगे। एकदम हमारा ये जो फ्लावर के यहाँ पे हमने बोला था एकदम फ्लावर जैसा है, तो शार्क की तरह भी दिखने लगेगा यहाँ पे लास्ट में। एक दो हमने फंदा बना लिया है, तीन चार पाँच छः, छः हमने यहाँ पे बना लिया। देखिए यहाँ पे ये हमारे अच्छे से यहाँ पे बैठ गए हैं, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे। अभी जो बहनें हमारे चैनल को वीडियो देखती हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना।
बबली पांडे क्राफ्ट एंड क्रिएशन, उस पर हमें ये अगर पसंद आएगी तो फोटो दोगे आप लोग तो हम अपने यूट्यूब के स्टेटस पे और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाएंगे। 2 4 1 5 1 6 एक चैन लेनी है। देखिए हम ऐसे बना लिए हैं, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा 2 बनने के लिए बाकी है, हम बना के आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। अगर इससे आप लोग थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हो तो जो हमने यहाँ पे देखिए 6 6 हमने डबल कुर्सियाँ बनाई है, बीच में चैन किया है। आप यहाँ से 2 चैन किए थे, यहाँ से आप चैन उठा के इसमें कर सकते हो। एक लाइन और ऐसे बना सकते हो आप इसी के ऊपर। अगर यहाँ से बड़ा करना चाहते हो 2 लाइन, ये जो हमारी उनकी मोती मैंने बनाए हैं, ये 2 लाइन और एक्स्ट्रा बुनाई कर सकते हो आप। ये हमारा जो 6 पैटर्न आया है आपका 8 आ जाएगा। ये इतना बड़ा थालपोश आप लोगों का हो जाएगा। कैसा लगा ये थालपोश? टेबल कवर हम सेंटर टेबल कवर टेबल के लिए अपने बीचों बीच बिछाने के लिए बनाए हैं, क्योंकि दीपावली आ रही है इस वजह से हमने बनाए हैं। बीच में हम यहाँ पे एक छोटा सा दीपक रखेंगे और सेंटर टेबल के बीचों बीच रखेंगे। कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताना, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।